बच्चों, ओम नमः शिवाय। तो आज हम लोग आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी का। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? नई सोच। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सोच मतलब क्या होता है? थिंकिंग, क्या है थिंकिंग? जैसे सोचना, देखो मैं जैसे बता रहा हूँ अभी, सोचना मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, कि जैसे हम अपने स्टडी को लेकर, हमारे पढ़ाई को लेकर सोचते हैं कि इस बार हमारे नंबर कम आए तो अगली बार हम अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो अगली बार हमारा क्या नंबर ज्यादा आएगा, तो ऐसे सोचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सोचना। और जैसे कि आप कार्टून वगैरह देखते होंगे, तो कार्टून में एक आता है मोटू पतलू, तो जो मोटू पतलू होता है वो क्या, जब दोनों मुसीबत में होते तो पतलू क्या करता है, आइडिया करता है ना, आइडिया आता है उसको, तो उसको बोलते हैं सोचना। सोच के नए आइडिया लेके वो किसी भी उससे मुसीबत से वो लोग बाहर आते हैं ना, तो उसी बोलते हैं नई सोच। तो आप लोग का जो चैप्टर का नाम है नई सोच, और इस चैप्टर में दो कैरेक्टर है, एक है कौवा और एक है लोमड़ी। तो देखो लोमड़ी क्या होता है, लोमड़ी तो आप लोगों को देखे होंगे, जैसे बुक में भी फोटो दिखा रहा है, फोटो है, और कौवा को तो आप देखे होंगे। तो जो लोमड़ी होता है वो बहुत ही चालाक होता है ना, सभी जानवरों में से लोमड़ी बहुत चालाक होता है और बहुत ही आलसी भी है। जैसे कि आप मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एक कहानी सुना देता हूँ लोमड़ी का। तो लोमड़ी एक बार क्या होता है, भूखा रहता है, वो जंगल में ऐसे घूम रहा होता है, जंगल में जाते जाते अचानक से उसको एक अंगूर का पेड़ दिखाई देता है। उसको दूर से देखने में बहुत ही, मतलब दिखने में इतना आकर्षित हो जाता है वो, कि आज तो मैं इसको खा के रहूंगा, लोमड़ी मन ही मन में सोचता हुआ उसके पास जाता है। तो जैसे ही अंगूर के पेड़ के पास पहुंचता है तो उसको दिखाई देता है अंगूर तो थोड़े ऊंचे में है, ऊंचाई में, तो उसको क्या है, अब उसको ऊंचा में है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो उसने एक दो बार जंप लगाया तो वो अंगूर नहीं टूटा। तो आखिरी जब आखिरी प्रयास किया तो उसमें भी नहीं टूटा। तो उसने बोला कि ये अंगूर तो अच्छे नहीं है, मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं खाना ये अंगूर को, वो चला गया। तो देखो इससे क्या मालूम चल रहा है कि लोमड़ी मेहनत करना नहीं चाहता है और वो आलसी भी है। तो ऐसे ही एक बार एक और कहानी है कौवा और लोमड़ी का। तो जो कौवा था, और कौवा और लोमड़ी दोनों जंगल में थे, तो लोमड़ी जा रहा था जंगल से, तो कौवा को देखता है। कौवा पेड़ में बैठ के रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाए रखता है। तो लोमड़ी देखता है कि सोचता है मन ही मन में, इसको मैं कैसे बेवकूफ बनाऊं जो ये रोटी मुझे मिल जाएगा। तो वो पास जाता है और उसका वो बोलता है, कौवा आप तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, इस जंगल में सबसे अच्छा गाना गाने वाले आप ही हो, और आपका सुर बहुत अच्छा है। सुर मतलब क्या होता है, सुर मतलब जैसे कोई अच्छे से गाना सुनते हो, जो अच्छा अभी मूवी का जो गाना जो सुनते हो तो वो क्या एक सुर में रहता है ना, सुनने में भी हमें अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं सुर में। तो कौवा इतना अपना खुद का तारीफ सुन के वो एकदम खुश हो जाते हैं, और जैसे ही गाना गाने के लिए अपने चोंच को से उनका जो कौवा को देखेंगे उनका चोंच निकला रहता है लंबा सा। तो जैसे ही वो खोलता है तो वैसे क्या होता है, रोटी नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रोटी नीचे गिरा तो क्या, लोमड़ी तो नीचे था, अब लोमड़ी उसके रोटी को उठा के सीधा चला जाता है। तो अब कौवा तो ऐसे देखता रह जाता है, तो वो क्या हुआ, बेवकूफ बन गया, है ना। तो देखो ये तो स्टोरी हो गया, दो स्टोरी हो गया कौवा और लोमड़ी का। जो अभी आपके जो चैप्टर में है उसमें क्या क्या हुआ आपको वो मैं बताऊंगा। अभी देखो अभी आपका जो चैप्टर में जो दिया हुआ है, ये तो मैंने कहानी सुना दी दो अलग अलग, जो इनका पहले का जो कहानी है इनके बीच में क्या क्या हुआ वो मैंने बताया, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अभी मैं आपको जो बुक में जो है वो आपको समझना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो पहला जो दो लाइन है वो सुनो, जैसे क्या है, भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। देखो ये भी स्टोरी क्या है, पहले से मिलता जुलता है। जो भूखी और चालाक, मतलब वो भूखा भी है जो लोमड़ी है, वो भूखी भी है और वो चालाक भी है, मैंने बताया था लोमड़ी का चालाक होती है। उसने कौवे के चोंच में, जो चोंच मतलब कौवा का जो मुंह होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसमें रोटी का टुकड़ा देखा। अब देखो लोमड़ी क्या बोल रहे कौवे से, अब लोमड़ी ने बोला, कौवे भैया तुम तो बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाओ ना। अब देखो लोमड़ी क्या है, अब वो अपना तरकीब लगा रहा है, एक नया नया आइडिया लगा रहा है, उसने तो रोटी देख लिया था कौवे के मुंह में, तो अब एक वो तरकीब लगा रहा है कि ये रोटी मुझे कैसे मिलेगा। तो उसका देखो पहला जो होता है, जो चाल था, उसने क्या बोला कि तुम तो बहुत सुरीला गाना गाते हो, मुझे कोई नई फिल्म का गाना सुनाओ। तो अब देखो कौवा क्या बोलती, कौवा
सोचते हुए वो कौवा पहले से मन में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो पहले क्या था, बेवकूफ बन गया था। इसी तरह कौवा ने बोला था, लोमड़ी ने बोला था उसको, तो कौवा ने क्या किया था, एकदम अपनी अपनी तारीफ सुन के उसने गलती कर बैठा था, है ना। तो इस बार कौवा मन ही में सोच रहा है, अच्छा फिर से वही पुराना बहाना। देखो कौवा को समझ में आ गया फटाफट, तो वो बोल रहा है, अच्छा फिर से वही बहाना है, पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर नहीं मिलेगा। अब चिकनी चुपड़ी बातें मतलब किसी के मतलब झूठा तारीफ करना, किसी से लेना है अगर अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो उसको क्या होता है एकदम, वो अगर वो अच्छा नहीं भी है तो उसको बोलेंगे तुम तो इस चीज में बहुत अच्छे हो, अच्छे हो, तो क्या वो तारीफ करेंगे, तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाएगा, और हम कुछ उससे मांगते हैं तो वो दे देगा, ठीक है ना। तो कौवा ने कौवा समझ गया। अब देखो क्या होता है, रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर लोमड़ी बहन क्या कहा, जरा एक बार और कहो ना। अब देखो रोटी का टुकड़ा उसने डाली पर रख दिया, कौवा तो क्या था डाली के ऊपर बैठा हुआ था, तो पहले रोटी को चोंच में पकड़ के रखा था। अब वो लोमड़ी ने कहा ना गाना सुनाओ, तो उसने क्या कि ठीक है, उसने क्या किया रोटी का टुकड़ा डाली पर रख दिया। अब देखो लोमड़ी क्या बोलता है, अब लोमड़ी अपने आप से, ए रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख दिया उसको गुमसुम देखकर। अब देखो लोमड़ी लोमड़ी ने देखा, मन में सोचा कि इसने तो रोटी का टुकड़ा डाली पर रख दिया, अब तो मुझे मिलेगा नहीं। अब देखो आगे आगे क्या होता है, फिर देखो, फिर कौवा बोला, लोमड़ी बहन बताओ सुनोगी गाना। अब देखो कौवा ने अब कहा रोटी तो नीचे डाली पर रख दिया, अब उसने कहा कि अब बताओ तुम मेरा गाना सुनोगे। तो लोमड़ी झेपते हुए मतलब शर्मिंदगी जो उसकी शर्मिंदा फील कर रहा था, है ना, कि उसको शर्म आने लगा कि उसको तो मेरा जो मैंने जो तरकीब लगाया था वो तो उसको मालूम चल गया, तो वो शर्मिंदगी फील होते हैं। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कौवा ने अब देखो गाना सुनाया, अब गाने में ही उसने लोमड़ी को क्या दिया, जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया गाने में ही है, तो गाने का जो चार लाइन है उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। काओ काओ भाई काओ काओ मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। अब देखो उसने लाइन जो गाना गाया उसी में कह दिया कि मैं काओ काओ का गाना गाता हूँ, सुंदर गीत नई सोच का सुंदर गीत गाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ बन जाए हर बार, है ना। तो वो अपना सोचता भी है, और उसको ये भी बोल रहा है कि मुझे पहले की तरह फंसाने जो कोशिश किया था, जो मतलब उसको अच्छे तारीफ करके उसका, तो वो सोच रहा है इस बार मैं नहीं फंसूंगा, उस गाने में बोल रहा है, और मैं ऐसा करके पछताऊंगा भी नहीं। अगर देखो हमें कोई अगर बेवकूफ बनाते हैं बना देता है तो हम क्या पछताते हैं कि इसने हमें बेवकूफ बना दिया, है ना। तो ये सोच के उसने गाने में ही बोल दिया कि मैं ऐसा करके नहीं पछताऊंगा, क्योंकि ऐसा तो क्या पहले हो चुका था। अगर हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है तो अगर उससे हम नहीं सीखते हैं तो क्या ये हमारे लिए जो आने वाले समय में वो हमारे लिए और नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए हमारे गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से अगर हमें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है तो उस चीज़ को हमें सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसने गाना में तो बता दिया। अब देखो अब नेक्स्ट जो लाइन है जो अब लोमड़ी और कौवे के बीच में क्या क्या हुआ अब उसके बाद वो पढ़ेंगे। अब लोमड़ी क्या होता है अब जाने लगती है, तो सुनो उसका लाइन क्या है। लोमड़ी जाने लगती है, उसे जाते देख कौवा कहता है, अरे अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के दो टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। अब देखो अब उसने गाना में तो आंसर दिया, तो क्या हुआ लोमड़ी को पूरा मतलब क्या होता है इंसल्ट फील हुआ, है ना, उसको इंसल्ट फील हुआ। तो इसको मालूम चल गया, इसने तो मुझे बोल दिया कि ऐसे ऐसे अब रोटी तो इसको मुझे मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा मैं अब चला जाता हूँ। अब देखो ये लोमड़ी को जाते हुए देख तो कौवा ने कहा कि अरे वो लोमड़ी बहन मेरे पास रोटी के दो टुकड़े, मतलब उसके पास रोटी का दो टुकड़ा था, तो उसने कहा कि आप आ जाओ हम दोनों मिल बांट के खाएंगे, है ना। तो फिर देखो अब लोमड़ी क्या कहती, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। अब देखो आप कोई भी आपको कुछ हेल्प करता है ना, कोई भी तो आप क्या करते हो उसके बदले आप थैंक यू बोलते हो ना, धन्यवाद बोलते हो ना, तो वैसे ही लोमड़ी ने क्या क्या धन्यवाद दिया। क्योंकि अब वो धन्यवाद क्यों बोल रहा है, क्योंकि वैसे भी वो भूखा था, अब उसको अब रोटी मिल रहा है, कौवा रोटी दे रहा है, जबकि उसने सोचा था उसको कि बेवकूफ़ बना के ये रोटी मैं खुद ही खा लूंगा, कौवा को नहीं दूंगा, लेकिन
जो कौवा का जो दिल था वो क्या था, बहुत ही बड़ा था और साफ था, इसलिए वो बुला रहे उसको कि हम लोग मिल बांट के खाएंगे। और बाद में फिर लोमड़ी ने क्या क्या धन्यवाद दिया उसको। फिर देखो कौवा ने क्या कहा, कौवा धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना है ना बहन। देखो अब उसने बोला ठीक है थैंक यू, आप कल भी आना मेरा गाना सुनने के लिए। तो फिर लोमड़ी क्या करते, बिल्कुल आऊंगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए कुछ लाऊंगी। अब देखो आज तो क्या हुआ, कौवा ने खिला दिया, अब बोल रहा है बिल्कुल मैं आऊंगी ही और आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आऊंगी। जैसे अगर आपको कोई हेल्प करता है नेक्स्ट टाइम आप भी उसके हेल्प करोगे, है ना। तो उसी प्रकार दोनों में क्या हुआ, एक दोस्ती भी बन रहा, पहले की तरह जो बेवकूफ बनाया था वो सब खत्म होके अब एक दोस्ती, जो दोस्ती दिख रहा है वो बनने लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम्हारे लिए भी मैं खाना लेके आऊंगा। तो देखो कौवा या हिरणा बांध रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। अब देखो इसका जो लोमड़ी का बात सुन के कि हाँ मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आऊंगी, कल हम लोग मिल बांट के भी खाएंगे। और फिर कौवा ने कहा ये हिरणा बांट, मतलब इसका यही है इसका कि रोज, मतलब प्रतिदिन हम लोग रोज मिल बांट के खाएंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ बैठते हैं आप उनके साथ क्या टिफिन शेयर करते हो, है ना। तो वैसे ही ये दोनों भी बोल रहे हैं कि आपसे हम लोग मिल बांट के खाएंगे। और जैसे देखो मिल बांट के रहने से क्या है, हमारे बीच में प्यार बढ़ता है, और अगर हम मिल के रहते हैं एकता में रहते हैं तो हमें कोई बाहर वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम एकता में हैं तो किसी, अगर कोई हमें नुकसान भी पहुंचाना चाहता है तो उसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम इकट्ठे हैं। अगर हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम लोग सबको मिल के सामना कर सकते हैं, लेकिन अकेले रहेंगे तो नहीं हो सकता, है ना। चैप्टर था इसमें, पूरा चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने की बात है जो आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे, है ना। ऐसे नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा तो वहीं पर रख दिया, ऐसे नहीं। ये तो आपको क्या है, आपके आपके जीवन में भी ये फॉलो करना है ना आपको, ये इसको प्रयास करना है, इससे सीखना है कि लोमड़ी के तरह चालाक होना है, पर उसके तरह मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना। अगर देखो दोनों भूखा थे, इसमें कौवा भी भूखा था लोमड़ी भूखा था, लेकिन क्या लोमड़ी ने क्या किया, मेहनत नहीं करना चाहा, उसने सोचा कि दूसरों को बेवकूफ बना के अपना खुद का पेट भर लो। तो ये हमें नहीं होना चाहिए, हमें चालाक होना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन चालाकी से किसी को नुकसान पहुंचे ये गलत है। और दूसरी बात जो सीखने वाली है बात है कि हमें जो जो हमें ज्यादा, अगर कोई हमें फंसाना चाहता है किसी बातों में, है ना, तो उस चीज़ को हमें पहले भाप के, अगर आपको कोई मान लो कोई सामने आ गया, आपके सामने आ गया और आपको, जैसे आप कहीं घूमने गए या कहीं पे भी गए, तो अब कोई चॉकलेट दे रहा है कि आप मेरे ये चॉकलेट ले लो, अब आप मेरे साथ चलो, तो ऐसा नहीं करना। आपको उसको तुरंत समझ जाना है कि ये इस आदमी को मैं नहीं जानता तो इसके बातों में मैं नहीं आऊँगा, और तुरंत आपको सही निर्णय, मतलब कि सही आपको डिसीजन करना है कि मुझे अभी क्या करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ डिसीजन लेना है, तो ये हो गया सेकंड चीज। और अब हमेशा मिल बांट के रहना चाहिए, अब क्लास में भी रहते हो आप लोग, है ना, क्लास में भी आप लोग सब लोग मिल के रहो, ऐसे नहीं कि आप उससे झगड़ा कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो सब लोग मिल बांट के इकट्ठा रहो, और मिल के ही रहने से प्यार बढ़ता है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो समझ में आया होगा, और आगे का जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करके दिखा दूंगा। धन्यवाद।